मध्य प्रदेश में आगामी 2 माह में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिहावल विधानसभा में भी भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा अपनी अपनी दावेदारियों को पेश किया जा रहा है और जीत की बात को कहा जा रहा है। सिहावल विधानसभा एक ऐसी सीट है जो लगातार कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली थी, परंतु उसके बाद से इतश्री ही रह गई है। देखना दिलचस्प यह होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से विजय पताका लहराएगी या फिर से वह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। आने वाला वक्त ही यह तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार समाज सेवा में एक्टिव रहते हैं, कर्मयोगी जो ओबीसी चेहरा हैं। अगर सिहावल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सिहावल विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी से सबसे बड़े चेहरे हैं, समाज के प्रति लगातार एक्टिव रहते हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार एक्टिव रहते हैं। श्री गैबी प्रसाद विश्वकर्मा जी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और प्रत्याशी रह चुके हैं। हम उनसे सीधे रूबरू होते हैं, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी को भी अब ज्वाइन कर चुके हैं। विभिन्न पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। अभी वो भोपाल से ही लौटे हैं, भोपाल में उनकी वरिष्ठ नेताओं से क्या चर्चा हुई है, विधानसभा क्षेत्र सिहावल में आगामी समय में पार्टी की क्या तैयारी है, सभी विषयों पर हम बात करते हैं। विश्वकर्मा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अभी जस्ट भोपाल से लौटे हैं। जी हाँ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं, पार्टी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? पार्टी के द्वारा तो आश्वासन नहीं दिया गया है जी, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ओबीसी का चेहरा ही इस बार उतारने का आश्वासन है। अब पार्टी के निर्णय हैं, जब तक लिस्ट नहीं जारी होती तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैंने उनको समझाने की कोशिश किया है कि यदि ओबीसी के व्यक्ति को लाया जाता है तभी सीट को निकाला जा सकता है, क्योंकि ओबीसी के वोट 64% हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मिला के 88% हैं, और उन्हीं के द्वारा ही सीट हासिल की जा सकती है। तो वहाँ से आश्वासन मिला है कि ठीक है, हम विचार करते हैं। आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? हमारी तैयारी है कि हम चूँकि ये हमारा गृह नगर है और चूँकि क्षेत्र का विकास और क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए एक व्यक्तिवाद का कब्जा है, तो हमको लगता है कि ये व्यक्तिवाद नहीं होकर के ये जो है तो जनतंत्र है, और विकास के लिए जो व्यक्ति योग्य हो उसको सामने आना चाहिए। इसलिए मैंने भी प्रयास किया है कि एक चांस मिलता है, मौका मिलता है, इस क्षेत्र की विकास की गतिविधियाँ परिवर्तित होंगी। क्या विकास की ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? यहाँ तो बहुत सारी कमियाँ अब है क्या, यहाँ ना कोई बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान है, ना कोई चिकित्सीय सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, ना कोई औद्योगिक धंधे यहाँ पर हैं, ना किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं जो जनता को चाहिए वो है। बिजली की समस्या देखिए, तो मैं तो जब भी आता हूँ तो आए दिन बिजली रहती नहीं है, आवागमन के साधन भी चरमरा चुके हैं, शिक्षा की स्थिति तो कुछ कही नहीं जा सकती क्या स्थिति है, तो सभी प्रकार की विकृतियाँ तो हैं। तो इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए, और इन्हीं सारे लक्ष्यों को लेकर के ही हमने ये लक्ष्य बनाया है कि यदि पार्टी हमको मौका देती है तो एक तो सीट भी यहाँ से निकलेगी भाजपा को जो बहुत दिनों से नहीं मिली थी, और दूसरा विकास के लिए भी ये सारे काम किए जाएंगे। पार्टी के आला कमान के द्वारा आपको क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं? आला कमान के द्वारा तो ऐसा कोई व्यक्तिगत दिशा निर्देश नहीं है, जब तक सीट टिकट नहीं अनाउंस हो जाता है तब तक सभी के लिए ही उनका दिशा निर्देश कॉमन रहता है, भाई जो पार्टी की गतिविधियां हैं, पार्टी के जो नियम हैं उसी नियम के अनुसार कार्य करना है। वही उनका कहना है कि संगठित रूप से काम करिए, क्षेत्र में जाइए और सभी लोग मिल करके पार्टी को जिताइए। उनका यही कहना था कि व्यक्तिगत वाली बात नहीं करिए, क्योंकि व्यक्तिगत तो हर एक आदमी दावेदार है, तो व्यक्तिगत हम किससे क्या कह दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो और सब लोग मिल करके आप संगठन को जिताइए, ये कहना। चूँकि आप लगातार समाज सेवा के लिए एक्टिव रहते हैं, वर्ष 2008 और 18 में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार आपका क्या प्लान है? यदि टिकट मिलता है तो फिर हम तो किसी भी हालत में कमल का फूल इस क्षेत्र में खिलेगा और नए सिरे से यहाँ की व्यवस्थाएं और विकास की गतिविधियां चालू होंगी, और जितनी प्रकार की यहाँ समस्याएँ हैं, एक तो
लोगों के मन में सपोगेशन है, दबाव रहता है, हमेशा दिक्कतें कई प्रकार की रहती हैं। मेरा प्रयास रहेगा उन सारी दिक्कतों को दूर करके यहाँ के क्षेत्र की जनता को भयमुक्त किया जाए और शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। बाकी जो असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को भी दूर किया जाए। चूँकि यह देखा जा रहा है कि सिहावल विधानसभा नहीं अपितु पूरा विंध्य क्षेत्र में अगर बात की जाए तो नशा का काफ़ी कारोबार चल रहा है और आज के युवक नशे के गिरफ्त में चलते आ रहे हैं, इस ओर आपका क्या कदम होगा? ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम तो हमेशा नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाते ही रहते हैं, लेकिन अभी क्या होता है कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम कितना कर पाते हैं, लेकिन यदि मान लो हमको चांस मिल जाता है और कोई इस प्रकार से शासकीय सहयोग मिलता है तो इस क्षेत्र में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के संविधान के नियम है कि किसी पंचायत में यदि 50% महिलाएं इसके विपक्ष में मत दे दें तो उस पंचायत के अंदर कोई भी नशा करके ना आ सकता है, कोई हाथे नहीं खुलेंगे, हाँ, और ना तो कोई दुकानें खुल सकती हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि ये वाली पेन प्रोसीजर को लागू किया जाए और हर एक पंचायत में महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि आप नशा के खिलाफ वोटिंग करिए और उसको हम बंद कराने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से फ्लैशबैक में लौटेंगे, वर्ष 2008 और 18 आप 2 बार चुनाव लड़े हैं, कमियां कहां पर रह गई? देखिए उस समय पर क्या था कि एक तो मेरा नया चेहरा था, दूसरा ऐसी पार्टी से या निर्दलीय से चुनाव लड़ा गया था, तो आपको मालूम है कि सिहावल विधानसभा में 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और छोटी पार्टियों द्वारा या निर्दलीय चुनाव लड़ करके कोई व्यक्ति विशेष सीट हासिल कर ले ये तो बड़ा कठिन काम है। और दूसरा चूँकि कांग्रेस का उम्मीदवार लगातार जब से देश आज़ाद हुआ तब से है तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उससे सीट छीनना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए वो जो हमने चुनाव लड़े थे उस समय पर वो तो ठीक है, चुनाव लड़े, इच्छा थी, हम आए, लेकिन जीत हासिल करना इतना आसान तो नहीं था। क्या इस बार भी राह काफ़ी ककरेली और पथरीली है? नहीं, चूँकि यदि हमको बीजेपी से टिकट मिल रहा है तो बीजेपी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका जन समर्थन भी बहुत बड़ा है, वो हमारे लिए कठिन नहीं लग रहा है, वो तो आसान सा लग रहा है। अब देखिए ये तो चुनाव है, चुनाव में थोड़ा दिक्कतें होती हैं क्योंकि सामने वाले प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे आश्वस्त है, हम आश्वस्त हैं कि जीत कमल के फूल की होगी। ये दूसरे को भी प्रत्याशी बनाया जाता है, उस सिचुएशन पर आप क्या करेंगे? साथ देंगे किसी को भी, यदि मान लो मैंने प्रयास किया है, मैंने दावेदारी किया है, कई लोगों ने दावेदारी किया है, यदि किसी भी कैंडिडेट को यदि टिकट मिलता है तो चूँकि मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया है हम तो पार्टी के हित में काम करेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा उसी को जिताने का हम प्रयास करेंगे। मतलब पार्टी के सोच और विचार के साथ आप आगे चलेंगे? हाँ, पार्टी के साथ हम आगे चलेंगे, व्यक्तिगत हमारी कोई सोच नहीं है, हम संगठन के लिए पार्टी के लिए काम करेंगे, समर्पित भाव से काम करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हमको टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, करेंगे ही करेंगे, नहीं भी मिलता तो जिसको मिलेगा उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और पार्टी जिताएंगे, कमल के फूल खिलाएंगे। इस बार कितनी सीटें लाने का अनुमान है? अब ये तो देखो पूरा मध्य प्रदेश की गणना मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिहावल विधानसभा की सीट जरूर देंगे, ये हमारा सोच है और दृढ़ निश्चय है। सीधी जिले में एक बहुचर्चित कांड हुआ था, पेशाब कांड, उसकी वजह से काफ़ी ब्राह्मण जो मतदाता हैं वह भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हैं, भाजपा उन्हें मनाने में कैसे कामयाब होगी? देखिए ऐसा कि ये व्यक्तिगत बातें भी होती हैं, अब एक व्यक्ति विकृत मानसिकता का हो और उस एक विकृत मानसिकता के आधार पर पार्टीगत निर्णय मान लिया जाए या सामाजिक या सामुदायिक बात मान लिया जाए ये उचित नहीं होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है, यदि वो करता है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता सुदृढ़ नहीं रही होगी, इसलिए उसको हम लोगों को बहुत गहराई से नहीं लेना चाहिए और हम लोगों को उसको छोड़ करके इग्नोर करके पार्टी के हित में काम करना चाहिए। रुष्ट मतदाताओं को कैसे हम मनाएंगे, ये हमारा सवाल था। रुष्ट मतदाताओं से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखिए देश हित में, प्रदेश हित में, जनहित में काम किया जाए, व्यक्ति के कारण ही प्रदेश का नुकसान ना किया जाए, देश का नुकसान ना किया जाए। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? शिक्षा, युवाओं का विकास बिना शिक्षा के संभव नहीं है और शिक्षा की जो स्थिति इस क्षेत्र में, प्रदेश में, अपने क्षेत्र में चरमरा गई है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो शिक्षा के स्तर सुधारा जाए ताकि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल बन सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको।
तो ये हमारे बीच में थे समाज सेवी गैवी प्रसाद विश्वकर्मा, जो समाज के लिए लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहते हैं। वर्ष 2008 और 2018 में भी भले ही यह इन्हें चुनाव में जीत न मिली हो, लेकिन समाज के लिए लगातार ये संकल्पित रहते हैं और अभी तक इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। उसी का परिणाम है कि अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से मौके मिलने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि आने वाला भविष्य यह तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिहावल विधानसभा में किसे मौका मिलेगा, किसे सह मिलेगी और किसे मात मिलेगी। यह तो आने वाले समय में सिहावल विधानसभा क्षेत्र के मतदाता ही तय करेंगे। तो बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।